हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने डेबिट कार्ड से EMI से शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में। दोस्तों, आपने जो है बहुत सारी वीडियो देखी होगी और आपने उसमें देखा होगा कि अब जो है आप अपने ATM कार्ड, जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, उससे जो है आप EMI से शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में। तो क्या है पूरी जानकारी, इसी पर जो है मैंने ये वीडियो बनाया और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप सभी को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में केवल 4 बैंक ही सिलेक्ट हैं जिनसे जो है आप EMI से शॉपिंग कर सकते हैं। उन बैंकों में से सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। तो इन 4 बैंकों में से अगर आपके पास किसी भी एक बैंक में खाता खुला है या किसी भी एक बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड या ATM कार्ड है, तो जो है आप EMI से शॉपिंग कर सकते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो आप सभी को ये चेक करना पड़ेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आप EMI से शॉपिंग करने योग्य हैं या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आप सभी को अपने बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से जो है एक संदेश भेजना है 57575 पे, और उस संदेश में लिखना है DC EMI। जब आप इसको लिखने के बाद 57575 में ये संदेश भेजेंगे, तो थोड़ी देर बाद जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से एक रिप्लाई आएगा, और उस रिप्लाई में जो है एक संदेश आएगा। तो उस संदेश में ये लिखा होगा कि आप उसमें एलिजिबल हैं, EMI से शॉपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर लिखा हो कि हाँ आप एलिजिबल हैं, तब जो है जब आप पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आप सभी को EMI का ऑप्शन मिल जाएगा, और EMI के ऑप्शन पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है आप सभी को डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड EMI का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक करके आपको कार्ड का डिटेल भरना है और पूरी जानकारी भरनी है और पैसा पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो केवल इतना ही करना है। तो दोस्तों, इस पे जो है मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक वीडियो बना चुका हूँ, तो चलिए उस वीडियो को आप देख लीजिए, शायद आपको ऐसे ना समझ में आया हो। जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड वाली वीडियो देखेंगे तो शायद आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन में, और जैसा कि आप देख सकते हैं EMI नाउ डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे जो है 4 बैंक सिलेक्ट है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन 4 बैंकों में से किसी एक बैंक का भी जो है अगर आपके पास डेबिट कार्ड, जिसको हम ATM कार्ड बोलते हैं, अगर आपके पास है, तब जो है आप फ्लिपकार्ट में EMI से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आप योग्य हैं कि नहीं है, एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए जो है आप सभी को एक संदेश भेजना पड़ेगा 57575 पे, और उस संदेश में लिखना है कैपिटल लेटर में DC EMI। दोस्तों, मैंने जो है ये संदेश भेजा था कल भेजा था मैंने, और चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे मैंने ये संदेश में क्या लिखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल लेटर में मैंने ये संदेश लिखा था और भेजा था 57575 में, और फिर उसके बाद जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे को एक रिप्लाई वाला संदेश आया, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा है। तो मतलब जो है मैं EMI से शॉपिंग नहीं कर सकता अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए। तो अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, तब जो है आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए अगर आपके पास इन 4 बैंकों में से किसी एक बैंक का डेबिट कार्ड है, ठीक है, किसी भी एक बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, तो उसके बाद अगर आपको मैसेज भेजना पड़ेगा 57575 में DC EMI लिखने के बाद, और जैसे एलिजिबल हो जाते हैं तो जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट वाले ऑप्शन की जगह पर। जैसे ही आप पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो आपको EMI का ऑप्शन मिलता है, जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो जैसे ही आप EMI के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो आप सभी को क्रेडिट कार्ड नो कॉस्ट EMI, और लास्ट में जो है आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट कार्ड EMI का। तो इसको जो है आप सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप सभी को किस्त सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कितने महीने में जो है आप EMI का पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सभी को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो फिर अगला चीज़ जो है आप सभी को अपने कार्ड की डिटेल भरनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो है आप सभी को पेमेंट कर देनी है। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपकी जो है शॉपिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, इतना ही है केवल, लेकिन मेरा जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं हुआ है। अगर आपका हो जाता है तो आप जो है EMI से शॉपिंग कर सकते हैं, अगर आपका भी नहीं होता तो आप इंतज़ार करिए, या आपका ट्रांजेक्शन जब अधिक होगा तब जो है शायद आप एलिजिबल हो जाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है या आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।